नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में फफूंद मोइटी लायंस ने डीटेक वॉरियर्स को रनों से हराया। फफूंद के कप्तान राहुल राजपूत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फफूंद के ओपनर बल्लेबाज भानुपाल व सुमित ने टीम को सदी हुई शुरुआत दी। फफूंद टीम ने 15 ओवरों में 4 विकेट खोकर 157 रन बनाते हुए डीटेक को 158 रनों का लक्ष्य दिया। फफूंद की ओर से 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए साजिद खान ने नाबाद रहते हुए 24 गेंदों में 3 चौकों पर 4 छक्कों की मदद से 60 रन बनाए, तो वहीं आक्रोश में 13 गेंदों में 32 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीटेक वॉरियर्स के ओपनर बल्लेबाजों को फफूंद के गेंदबाजों ने शुरू से ही बांध रखा था। पारी के पहले ही ओवर में तेज गेंदबाज आमिर उर्फ सेकू ने बिना कोई रन बनाए 2 बल्लेबाजों को पवेलियन दिया और डीटेक की टीम 5 ओवर के पावर प्ले में मात्र 25 रन बना पाई, जबकि उसके 5 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। वहीं पिछले मैच के शतकवीर विवेक कुमार उर्फ विक्का 22 गेंदों में सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कप्तान शिवम यादव मामू ने 8 गेंदों में 21 रनों का योगदान दिया। आखिरी ओवर में डीटेक को 6 गेंदों में जीत के लिए 25 रन चाहिए थे। अंत में पूरी टीम 14.3 ओवर में 139 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और फफूंद मोइटी लायंस ने DPL सीजन 2 का फाइनल मुकाबला 18 रनों से जीतकर अपने नाम कर लिया। वहीं पिछले साल फफूंद की टीम DPL सीजन 1 में उप विजेता रही थी। फफूंद की ओर से गेंदबाज सेकू ने 3 ओवरों में 1 मैडन बनाते हुए 18 रन देकर 3 विकेट लिए, तो वहीं सुमित ने 3 ओवरों में 28 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। फफूंद की ओर से अच्छी बल्लेबाजी करने वाले साजिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से दिलीप श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।